नमस्कार, इंडियन फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पकौड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं पनीर पकौड़ा। यहाँ पे हमने एक कप बेसन लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक डालिए और हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिए है। इसका घोल बनाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। हमें ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला ही नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसा घोल चाहिए हमें। यहाँ पे हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे अच्छी तरह से कट करके स्टफिंग में चटनी भरते हैं। ग्रीन चटनी है पुदीना की। अब चटनी भरेंगे शेजवान चटनी और एक पीस में हम हरी चटनी। ऐसे सब पनीर में हम हरी चटनी और शेजवान चटनी भर के तैयार करते हैं। अब हम इसे बैटर में घोल के डीप फ्राई करेंगे। इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है ब्राउन होने तक। अगर अपने पनीर में थोड़ा पानी हो तो तेल में डालते ही वो पानी उड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ढक्कन रखिए। बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं, निकाल लेते हैं इसे। इस तरह से हम सब पकोड़े डीप फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार हैं। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं पकोड़े, अंदर से मुलायम और बाहर से क्रिस्पी। तो आप भी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंडियन फूड रेसिपी में।